मुंबई इंडियन और सनराइजर का मैच ख़त्म हुआ, पर अभी भी लग रहा है कि भाई ये मैच हुआ तो हुआ क्या इस मैच में। भाई ये कौन सी क्रिकेट है, ये बुक क्रिकेट में भी नहीं ऐसे होता, चौका छक्का चौका छक्का चौका छक्का, बस सिंगल डबल की तो बात ही नहीं थी। चौके छक्के ऐसे लग रहे थे जैसे सेल लगी हुई हो। भाई जो आ रहा है वो चौका लगा रहा है, छक्का लगा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। बॉलरों की दुर्दशा हो रही है, बुरा हाल हो रखा है वहाँ। 277 रन बना दिए सनराइज़र ने और चेज़ करते हुए मुंबई इंडियन ने 246। और एक वक्त तो लग रहा था कि शायद ये कहीं बन ही ना जाए यार, क्योंकि जिस लिहाज से बल्लेबाजी मुंबई इंडियन भी कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई ये हो सकता है, पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये तो अलग लिहाज की क्रिकेट हो रही है। भाई बॉलरों की बहुत दुर्दशा है, क्या करें। अच्छे सही टाइम पे छोड़ के निकल गए हम तो। खैर एनीवेज थोड़े मैच के ऊपर नज़र मार लेते हैं कि भाई इस मैच में हुआ तो क्या क्या हुआ। ये तो बॉलर जब आईने में अपने आप को देखेंगे ना, कहेंगे यार ये मैच में एक्चुअली हुआ क्या। और थोड़ी सी यहाँ से सीख भी मिलेगी बॉलरों को, बहुत ज़्यादा ना विकेट बाय करने गए। मैं वो बॉलरों की भी बात करूँगा, पर चलो पहले आते हैं हम ट्रेविस हेड पे। यार कमाल की बल्लेबाजी करी, 24 गेंद में ना 62 रन लगा दिए बंदे ने। और क्या स्टार्ट दिया, ऐसा स्टार्ट, फ्लाइंग स्टार्ट। और उसके साथ यंग अभिषेक शर्मा ने 23 गेंद में 63, भाई एट विल छक्के मार रहा है बंदा। कमाल का टैलेंट है अभिषेक शर्मा, बहुत मज़ा आया बल्लेबाजी देख के ये दोनों की। और उसके बाद एडियन मकरम बहुत ज़बरदस्त खेले, 42 उन्होंने बनाए और जो सबके फेवरेट बन गए, मेरे तो सबसे ज़्यादा फेवरेट बन गए हैं। भाई मुझे ये पक्का पता है, मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर कोई भी खिलाड़ी जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में वाइट बॉल का इतना फेंटा उतारता है। क्लासन 34 गेंद 80 रन, यार कमाल है यार। ये बंदा उस दिन ऑलमोस्ट मैच खींच के ले आया था नाइट राइडर के मुंह से, और आज तो इसने गेम इतनी दूर कर दिया कि मुंबई इंडियंस बहुत ताकत लगाई, बहुत वहाँ पे जद्दोजहद हुए, पर बना नहीं पाए उतने रन। 277 बन गए थे यार, 3 विकेट ही खोए और कमाल है ये। उसके बाद जब मुंबई इंडियंस चेस करने आई तो रोहित शर्मा दिखे अपने अंदाज में, 26 उन्होंने बनाए 12 गेंदों पे, और वहीं ईशान किशन के 34 13 गेंदों में ताबड़तोड़। ये स्टार्ट तो जो चाहिए था ना मुंबई इंडियन को, वो ये दोनों खिलाड़ियों ने दे दिया था। उसके बाद नमन धीर आए, नमन धीर भाई ऐसा लग रहा है कि पहली बार नहीं आईपीएल खेल रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कई सालों से खेलते हुए आ रहे हैं। ज़बरदस्त उनका भी परफॉर्मेंस, 30 रन उन्होंने बना दिए 14 गेंदों में, 2 चौके 2 छक्के। फिर तिलक वर्मा, क्लास प्लेयर है, बहुत ज़बरदस्त खिलाड़ी। ये प्लेयर को ना वर्ल्ड कप की टीम में ज़रूर होना चाहिए भारत के लिए, क्योंकि ये लेफ्टी है, एडवांटेज है, बड़े शॉट मार सकता है, सेंसिबल खेलने की बारी आती है तो सेंसिबल खेलता है। भाई 64 रन उनके बहुत ज़बरदस्त थे, 64 उन्होंने बनाए 34 गेंदों में। और जब तक ये खेल रहे थे ना, लग रहा था कि गेम ऑन है, कुछ भी हो सकता है। हार्दिक पांड्या कप्तान साहब आए, बल्लेबाजी करने की कोशिश करी पर लगी नहीं, आते ही 1-2 लगाए, 1 चौका लगाया, 1 छक्का लगाया, बट उसके बाद रन बॉल ही चलता गया उनका। अगर देखें 20 बॉल में 24 रन, इतने बड़े मैच में जहाँ पे आपको तकरीबन 160-70 रन की स्ट्राइक रेट पे खेलना चाहिए, तो ये स्ट्राइक रेट हार्दिक पांड्या के खुद के करियर से बहुत कम। और आज जैसी बल्लेबाजी हुई, बल्लेबाजों ने तो दम दिखाया, बट हार्दिक के बल्ले से बॉल लग नहीं रही थी। बट ये होता है, बहुत बार होता है, तगड़ा खिलाड़ी है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि बल्ले पे बॉल लगती नहीं है, तो ठीक है कोई नहीं। पर टिम डेविड 42 उन्होंने बनाए, भाई साहब आए और आते ही ताबड़तोड़ अंदाज में शुरू हो गए। 22 गेंदों में 42 उन्होंने बनाए, और थोड़ी बहुत जो कसर रह गई थी ना, वो शेफर्ड आए, उन्होंने भी 15 बना दिए 6 गेंदों में। तो ज़रा बॉलरों का एक बार मीटर चेक करेंगे, पहले जाएंगे हम मुंबई इंडियन के बॉलर्स का। इस मैच में अगर कोई देखने वाली चीज़ रही है तो वो है मीटर, बॉलरों का मीटर। मक्का करके कोई लेफ्ट हैंडर गेंदबाज खेले, वो 4 ओवर में 66 रन दिए हैं भाई ने, और हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर में 46 रन, 1 विकेट जरूर ली। सबसे किफ़ायती रहे हैं देखिए जसप्रीत बुमराह, 4 ओवर में 36 रन, और उसके बाद कोटजी जो है 4 ओवर में 57 रन। पेस जो है ना, पेस का बहुत फेंटा लगा है। पीयूष चावला ने 2 ओवर में 34 रन दिए, 1 विकेट जरूर मिला, पर नहीं, बहुत पिटाई हुई है भाई। फिर शम्स मुलानी भी आए, 2 ओवर में 33 रन उन्होंने भी दिए, बहुत फेंटे लगे हैं। उसके बाद चलिए एक नज़र SRH के गेंदबाजों पे भी डाल लेते हैं, क्योंकि मार तो इनको भी बहुत पड़ी है। भुवनेश्वर कुमार ने ओवर अच्छे करे थे शुरुआत में, पहला ओवर अच्छा और उसके बाद तीसरा ओवर बहुत अच्छा किया, जो गेम का बहुत क्रूशियल पीरियड था वहाँ आके बहुत ज़बरदस्त एक ओवर किया। पर हाँ ओवरऑल उनको भी रन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़े, 4 ओवर में 53, फिर उनाडकर साहब 4 ओवर 47, 2 विकेट लिए उन्होंने। गेंदबाजी ठीक ठाक अच्छी कर रहे थे इस पिच के हिसाब से, इस मैच के लिहाज से। फिर सजा शदाब अहमद ने 3 में 39 रन दे के 1 विकेट लिया और वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे थे, ये ना भूलिए। और ईशान किशन जो फेंटा लगा रहे थे ना ठीक ठाक, उनको आउट किया उन्होंने। उमरान मलिक को यार बड़ा ताज्जुब हुआ, 1 ही ओवर करवाया, क्यों? और मुझे लगता था कि वो आराम से ओवर कर सकते थे, और 1 ओवर में उन्होंने 15 रन दिए थे। बट उनके पास पेस है, एक्सपीरियंस है, यॉर्कर अच्छे करते हैं, तो उनको गेंदबाजी करानी चाहिए थी। मयंक मारकंडे से थोड़ा सा मैं बातचीत करना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे जब ऐसा मैच चल रहा हो, इसमें 2 ही तरीके होते हैं। आप कोशिश करिए कि बल्लेबाज के प्लान से दूर रहिए। बट ये विकेट बाय करने जा रहे थे, पिछले मैच में मैंने वहाँ नाइट राइडर के सामने भी इनको देखा गेंदबाजी करते हुए, बहुत ज़्यादा फ्लाइटें, हल हुए कि इतना धीरे गेंद डाल रहे हैं हवा में कि बल्ले पे आराम से बॉल आ रही है। रसल मार रहे हैं, आज हर किसी ने मारा, ठीक है ये फॉर्मेट ऐसा है, इसमें मार पड़ेगी, बट थोड़ा सा गेम में रहना पड़ेगा, बॉल को दूर फेंकना पड़ेगा। जब जब उन्होंने बॉल को दूर फेंका 1 रन हुआ, और जब जब वो लालच में आए कि 1 विकेट ले लूँ तब तक छक्का पड़ा। तो थोड़ा सा लालच जो है वो कम करना होगा, और वो देखना होगा कि कब फ्लाइट करना है, कब नहीं करना है। पर ये मैच जो है ना, ये मैच ने एक अलग ही रूप ले लिया यार। ये ऐसा आईपीएल का मैच कभी नहीं हुआ कि इतने रन बन जाएं। ये किस कगार की क्रिकेट हो रही है। ये आईपीएल अब डिफरेंट मोड पे चला गया है। देखो एसआरएच और अगर मुंबई इंडियंस के मैच से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि भाई इतने रन बनेंगे, और सबने कहा था फेवरेट मुंबई इंडियंस है। बट आज अपने घर पे एसआरएच ने मैच जीत के दिखा दिया कि भाई उन्होंने आगाज़ कर दिया है, और इनकी बल्लेबाजी अच्छी लग रही है। सो इट्स गुड टू सी देम यू नो प्लेइंग एट देयर पोटेंशियल। और अभी अभी हाल फिलहाल में साउथ अफ्रीका में भी लीग जीत के आए हैं, तो वहाँ पे भी तकरीबन इनकी टीम जो है ना यही है, और ये जर्सी इनको थोड़ी सी रास भी आ रही है। तो मुझे लगता है कि इनका सीज़न भी ठीक ठाक रहने वाला है। उतनी निकम्मी टीम नहीं लग रही जितनी हमने पिछले कई सालों में देखी है। इस साल थोड़े से अच्छे लग रहे हैं विद क्लासन, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। चलो भाई मुबारक हो, पहले 2 पॉइंट एसआरएच को। मुंबई इंडियन का भी खाता नहीं खुला है, बट ये टीम स्टार्ट तो लेट करती है, उसके बाद जब पिकअप करती है तो रुकनी मुश्किल हो जाती है। चलिए देखते हैं कब खाता खुलता है, बट मुबारक हो एसआरएच को, बधाइयाँ 2 पॉइंट। और अब आगे देखते हैं आईपीएल में।